पुलिस द्वारा मुकदमा लिखे जाने के बाद भी हमलावर आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं कर पाने से गोली से घायल हुए युवक के परिजन न्याय की गुहार के साथ पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आरोपी ने गांव के ही एक युवक पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया, जिसमें पीड़ित युवक गोली लगने पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया। आरोपी मुकदमा कायम होने के बाद ही पुनः पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी देकर फैसले का दबाव बना रहा है। दरअसल आपको पूरा मामला बता दें कि बुराना कोतवाली क्षेत्र के गांव परसौली का है, जहां मोहसिन पुत्र लीलो निवासी जोगिया खेड़ा पास के ही गांव परसौली में ईंट का भट्टा चलाता है। वहीं गांव के कुछ दबंग युवक मोहसिन को मारने की फिराक में घूम रहे थे। वहीं 17 मई 2018 को मोहसिन का चाचा गुलाब हार पुत्र फतेह मोहम्मद ईंट के भट्टे पर चला गया। वहीं गांव के दबंग युवक अकबर पुत्र शौकत व इखलाक पुत्र रहमत ने मोहसिन को गोली मारने की नियत से भट्टे के रास्ते पर पीड़ित गुलाबहार युवक पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें आरोपियों ने गुलाबहार की कार पर गोली चला दी, जिसमें गुलाबहार गाड़ी को साइड में रोक कार देखने लगा। वहीं गांव के ही बदमाशों ने आरोपी की गाड़ी से उतरते ही पीड़ित गुलाबहार पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया, जिसे पीड़ित युवक गोली लगने से मौत के मुंह में झूल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत ही हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक का उपचार कराया। क्या हो रहा है पुलिस की चीजों का? जब सी हो तो